नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल इन फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां दहल गया मॉस्को, 150 ड्रोन से हमला। बड़ी खबर आपको बता दे, रूस पर 150 से ज्यादा ड्रोन से हमले को लेकर आज खबर बड़ी है और मॉस्को दहल उठा है। एक बार फिर यूक्रेन ने पुतिन को दे दी है चुनौती। थोड़ी देर में एक एक डिटेल आपके सामने। वहीं रूस पर हमले से पहले नेटो और यूक्रेन की सीक्रेट मीटिंग को लेकर भी बड़ा खुलासा। क्या नेटो के इशारे पर ही रूस पर हमले को दिया गया अंजाम? बड़ा सवाल। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। एक्सपर्ट से करेंगे। साथ ही तीसरी बड़ी खबर, हिजबुल्ला का 50 रॉकेट से हमला। जहां आपको बता दे, प्रीएम्प्टिव अटैक का ये बदला। हिजबुल्ला ने फिर एक बार इजराइल पर बड़े हमले को दिया है अंजाम। वहीं हमास ने इजराइल को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन आपके सामने। वहीं ताइवान से फिलीपींस तक चीन की हमले की तैयारी को लेकर भी आज खबर है, जहां चीनी सेना ने अब से कुछ ही देर पहले ताइवान स्ट्रेट में बड़ी डिप्लॉयमेंट की है। इसका मतलब क्या है? फिलीपींस भी अब चीन के टारगेट पर है। बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी आपसे थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले वॉर जोन से आ रही वो तस्वीरें, जहां रूसी वेपन स्टोर पर यूक्रेन के अटैक की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, गाइडेड एरियल बॉम्ब से बड़े हमले को दिया गया है अंजाम और रूसी मिलिट्री बेस के कैसे उड़े पर खच्चे, तस्वीर देखिए। और खारकीव में आपको बता दे, रूसी टैंक पर ड्रोन अटैक को लेकर भी खबर है। सुसाइड ड्रोन से यहां रूसी टैंक पर वार किया गया। जोरदार धमाके के बाद उठा आग का गोला। अब डोनेस्क में रूसी असॉल्ट ग्रुप पर अटैक को लेकर भी खबर है, जहां यूक्रेन के एयरबोर्न ब्रिगेड का ये वार था। रूसी हाइडआउट्स को निशाना बनाया गया। तस्वीरें एक साथ आपके सामने जा देंगे किस तरीके से रूसी वेपन स्टोर पर यूक्रेन के अटैक की ये तस्वीर आई है सामने। वहीं खारकीव में ही रूसी टैंक पर ड्रोन अटैक के बाद आग के गोले में तब्दील हुआ ये तस्वीर आपके सामने, रूसी टैंक में मची उस तबाही की। वहीं डोनेस्क में रूसी असॉल्ट ग्रुप पर अटैक की भी तस्वीर सामने आई है। और लुहांस्क में यूक्रेन का MLRS अटैक एक और खबर है, रूसी सेटलमेंट को तबाह करने को लेकर, जहां यूक्रेनी फोर्स ने एक साथ कई मिसाइलें भी दागी हैं। ये देखिए तस्वीर। और अब लुहांस्क में यूक्रेनी फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर, जहां जानिए कैसे रूसी सेना के साथ आमने सामने की इस जंग के बाद ये तस्वीर सामने आई। देखिए जबरदस्त फायरिंग का ये वीडियो। यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड ने नोवोबोदियन पर कब्जे का कर दिया है दावा। और इस वक्त आपको बता दूं, खास मेहमान हमें कर चुके हैं ज्वाइन, जहां मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोफेसर राजन कुमार इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन, और ब्रिगेडियर शरदेंदु सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें कर चुके हैं ज्वाइन। सबसे पहले शरदेंदु सर, आप ही से सवाल, क्योंकि यहां पर यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से उन तमाम मूवमेंट्स को ट्रैक और ट्रेस करते हुए बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें दबदबा कायम करने की इस जंग में इंपॉर्टेंट है कि कैसे अभी भी ट्रैक और ट्रेस करते हुए
उन तमाम डिप्लॉयमेंट्स को सीधे हिट करने के बाद तस्वीरें जारी की गई हैं। देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में 15 दिनों से जो यूक्रेन के हमले जारी हैं, वो पहला कुर्स में जिस तरीके से सरप्राइज अटैक किया और आज की डेट में लगातार देखिए ड्रोन से हमले हुए जा रहे हैं और इसमें जो रशियन आर्मी के मिलिट्री बेस और जो ऑयल डिपो को टारगेट किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में रूस का कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। रूस को एक बार फिर से अपने एयर डिफेंस को रीलुक करना पड़ेगा, अपने सारे वीए वीपीएस की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, एयर डिफेंस देना पड़ेगा। लेकिन साथ में देखिए रूस का ऑपरेशन ईस्टर्न यूक्रेन में चल रहा है, डोनास्क और डोनास्क का जो इलाका है वहां पे ऑपरेशन चल रहा है और जो उनका सबसे बड़ा एक लॉजिस्टिक बेस है यूक्रेन का पोक्रोवस्क, जो कि अब वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया, अगर वो किसी भी तरीके से रशियन आर्मी कैप्चर कर लेती है तो यूक्रेन की फोर्सेस क्रम्बल कर जाएंगे, उनका सप्लाई रूट कट जाता है और ये चारों स्टेट में जिस तरीके से सप्लाई जारी है वो बाधित होती है और साथ में इट विल बी अ मैटर ऑफ टाइम कि कोर्स में वो किस तरीके से यूक्रेन को उसके सप्लाई को काट के वहां से बेदखल करते हैं। तो रशिया को एक बड़े प्लान पे सोचना पड़ेगा, लेकिन आज की डेट में जो रशिया में हो रहा है यही यूक्रेन था, 2 साल से चुप बैठा था, उसके तरफ से कोई हमले नहीं हो रहे थे। सवाल मैंने इसीलिए इस वक्त जारी की गई तस्वीरों के आधार पर किया था, हालांकि जिस तरीके की प्लानिंग को लेकर रशिया अब एग्जीक्यूट करने को लेकर बात कर रहा है उस बारे में आगे भी बड़ी खबर और खुलासा होगा आपके सामने। उससे पहले एक और वॉर फ्रंट से आ रही तस्वीर अब आपके सामने, जहां देखिए इसराइल में कार बम धमाके के बाद किस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि यहां मचे इस हड़कंप में ये साफ हो गया कि कैसे रोज इतजियन में ताबड़तोड़ फायरिंग को अंजाम दिया गया और यहां पर आईडीएफ ने 3 हमलावरों को मार गिराने का भी किया है दावा। अब वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स के बड़े ऑपरेशन को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि वेस्ट बैंक में जिस तरीके से अभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है उसमें नूर अल शम्स में हमास के ठिकानों पर अटैक को लेकर खबर आ रही है और इजरायली सेना ने 3 हमास लड़ाकों को यहां मार गिराया है।